अब चाप सिंह ने सोमति को सारा हाल सुना दिया और कहा कि मैं शाहजहां बादशाह के दरबार में शेर खान की करतूत के कारण फांसी तोड़ा जाऊंगा। और सोमति ने बोलिया कि तू अपना श्रृंगार तार दे और सफेद बाणे में महल के ऊपर खड़ी हुए काग उड़ा करिए। चाप सिंह इतनी कह के चला गया और सोमति सफेद साड़ी बांध के महल के ऊपर काग उड़ाने लगी। एक दिन की बात कि सोमति के महल के तले के एक कई औरतां टोड़ जा था। सोमति उन्हें देख कर नीचा आके बुझन लगी के बेबे तुम कौन सो। उन औरतां ने कहा कि हमरे कासा से हम नाच गाना कराया करें, आज हम साझा बादशाह के दरबार में नाच गाना करेंगे, उड़े कोई रजपूत फांसी टूटेगा। तो सोमवती उन लोगाइया ते के कहने लगी, भला हे थारी भगवान की जड़ में कोई दिन मेरा भी गुजारा हो जाए। थारी भगवान की जड़ में कोई दिन मेरा भी गुजारा हो जाए। थारी भगवान की जड़ में कोई दिन मेरा भी गुजारा हो जाए। तुम सो जब सोया करूंगी नित मल मल पा धोया करूंगी, नित मल मल पा धोया करूंगी, मोती पोया करूंगी, लड़े मैं मेरे आते सुख सारा हो जाए। हरि भगवान की दर में कोई जन मेरा भी गुजारा हो जाए। हरि भगवान की दर में कोई जन मेरा भी गुजारा हो जाए। मैं होरी बालम की आज जने कद पाया मटूम लग बजने, कद पाया मटूम लग बजने, हम तुम साथन रहेंगी बगड़ में चाहे सब कुण बान्यारा हो जाए। थारी भगवान की जर में कोई दन मेरा भी गुजारा हो जाए। थारी भगवान की जर में कोई दन मेरा भी गुजारा हो जाए। थारी भगवान की जर में कोई दन मेरा भी गुजारा हो जाए। रहूंगी दिन रात हाजरी में खड़ी थारी आज्ञा बिन जाना तड़ी, थारी आज्ञा बिन जाना तड़ी, मैं भी एक कली लाग लू घड़ में कीड़ा स्वर्ग के नारा हो जाए। थारी भगवान की जर में कोई दन गुजारा हो जाए। थारी भगवान की जर में कोई दन मेरा भी गुजारा हो जाए। थारी भगवान की जर में कोई दन मेरा भी गुजारा हो जाए। थारी भगवान की जर में कोई दन मेरा भी गुजारा। और आखिर में कवि ने समझा के बुझा के सुनने लायक बात सज्जन साहबानों के लिए की बताई, भला लक्ष्मी चंद बखत का गवाह महल बनवाले आनंद की गवाह, महल बनवाले आनंद की चल हवा भादेवी के झड़ में ये झाकी तार चौबारा हो
हरी गोद।